Yeah.
Mola, una de mi padre, Bagdad, Azar, en
सखाता सुनियो से किसे ना दिता किसे जा दिता किसे हीरे किसे जलाल मैं उन्ना दिगार कर लगा एक गाँवे मदीने आले से यार एक केरी सखावत कर दे इन्ना नी सखावत अजीब रंग दी सखावत है पूरी तवज्जो करने की मैं भाई सुना है के लालो गबर भी दिए
पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सरवर हमारे मेहमान डॉक्टर जनाब से ये बकाया का शेर साहब तशरीफ ला चुके हैं। हम उनसे मुंतमिस हैं कि शुभा यात्रा के बाद वो पढ़ेंगे, काफ़ी देर के आए हुए हैं। अब आपके सामने शायर आल इमरान जनाब शुभा हैदर साहब और उनके फौरन बाद जनाब सैयद वकार हैदर शिराज साहब। जिससे मर्जी सवाल करो, जिससे मर्जी
छोड़ा जिससे सवाल नहीं पूछा, शाम में मैंने कोई शामी नहीं छोड़ा जिससे सवाल नहीं पूछा, मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले, मैं आ गया अली की बारगाह में। नऊज़ बिल्लाह, अली अलैहि सलाम ने मुझे कितने अच्छे तरीके से डाला, अपने बेटों के पास भेज दिया। अब अगर बेटों को भी सवालों के जवाब ना आते हुए तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ भटकूंगा, मैं कहाँ फिरूंगा। वो बंदा यही सोच रहा था कि हसन अलैहि सलाम ने उसके कांधे पे हाथ रखा। हसन अलैहि सलाम उसके कांधे पे हाथ रख के फरमाते हैं, शरीयतों का मुकम्मल निसाब लेता जा, शरीयतों का मुकम्मल निसाब लेता जा, ज़ईफ ढूंढ के ला और शबाब लेता जा। हसन फरमाते हैं, गुलाम ज्यादा नहीं इमाम ज्यादा हूँ, सवाल ज़हन में रख और जवाब लेता जा। करवट बदलती थी तो दुख जाते थे कान, करवट बदलती थी तो दुख जाते थे कान, जब तलक जिंदा रही सोने से घबराती रही। सोई हुई थी शाम के जिंदान में, अचानक बच्ची की आंखें खुली, बच्ची पुफी के करीब आई, पुफी के दामन में हाथ डाला, हाथ डाल के कहा, या अम्मा थी ऐना अभी, अम्मा मेरा बाबा कहाँ है। बच्चे ने कहा, अम्मा आपकी इज्जत की कसम है, अभी बाबा आए थे, बाबा ने मुझे प्यार किया था, बाबा ने मुझे सीने पे सुलाया था, बाबा ने मुझे गोदी में उठाया था, बाबा ने कहा था मेरी सकीना मैं उदास हो गया हूँ, मेरे पास आ जा, मेरी बच्ची मैं उदास हो गया हूँ, मेरे पास आ जा। बीबी ने कहा, तू सच्चे बाप की बेटी है, सच कहती है, तेरा बाबा आया होगा, मुझे मिले बगैर चला गया। बच्ची ने कहा, नहीं अम्मा मुझे बाबा ला दो। छोटी बेटियों वाले एक बात का जवाब दीजिएगा, शाम का जिंदान, यतीम भतीजी, और फरमाइश क्या है, मुझे बाबा ला दो, मुझे बाबा ला दो। इतना रोई अली की बेटियां, शाम के महल तक रोने की आवाज गई। मलून पूछता है, कौन रोते हैं? एक बंदे ने बताया कि शाम में कैदी है वो रो रहे हैं। कहता, क्यों रोते हैं? उसने बताया कि बच्ची कहती है मुझे बाबा ला दो, मुझे बाबा ला दो। इसने एक फौजी को बुलाया, कहता है जा बेटी को बाप का सर दे गया। उसने मौला हुसैन की जुल्फों में हाथ डाला, मौला हुसैन का सर उठाया, आके मौला सज्जाद को दिया। मौला सज्जाद ने बंधे हुए हाथों पे बाबा का सर उठाया। सज्जाद फरमाते हैं, उठाना नहीं आता था तो मुझे बुला लिया होता। ये वो है, इसका एक बाल टूटता था, इसकी माँ कई कई दिन बैन करती थी। ये वो है जिसे माँ ने चक्कियाँ पीस के पाला है। ये वो है जिसके मोहम्मद ने बोसे लिए हैं। ये वो है जिससे अल्लाह प्यार करता है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग वहीं बैठे हुए उनसे नमाज है, अंदर काफी सारी जगह खाली है, अंदर तशरीफ ले हैं, मेहमान लाकर सैयद वकार हैदर शेख साहब डॉक्टर के मेंबर हो रहे हैं। जो लोग वहीं बैठे हैं उनसे नमाज है कि अंदर तशरीफ ले आए, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने टाइम दिया जनाबे तालिब हुसैन अलवी साहब को। उनके आने से पहले चार सत्रें अपनी लिखी हुई आपकी नजर कर रहा हूँ। जिनसे नबी हैं जो नबी से हैं, अल हुसैन नाम अल हुसैन, जिनसे नबी हैं जो नबी से हैं, उनके कलाम ही इमामुल कलाम होते हैं, उनके कलाम ही इमामुल कलाम होते हैं। जो काफिर से मुसलमान होते हैं रज़ी अल्लाह, जो काफिर से हो मुसलमान होते हैं रज़ी अल्लाह, जो अहले बैत हो अलैहिस सलाम होते हैं। बिल्कुल मुख्तसर सबक में इतना ज़्यादा आपकी समर्थों की नज़र करना है, मैं बड़ा ममनून मशगूल हूँ शाही साहब का, काफ़ी देर से तशरीफ़ फरमा है, गर्मी का मौसम है,
ना आप लोगों का इम्तहान है ना उनकी शफकत का। बिल्कुल मुख्तसर से भी मुख्तसर या यूँ कहूँ तो मैं जानना होगा कि इतनी ही देर में निपटता है जितनी देर में हुसैन को कर्म करते हुए लगी फुतरस को पर देते। बिल्कुल साथ ही साथ वो बातें इनमें कोई ऐसा नहीं जो मोहम्मद ना हो। ये हदीस है मेरे मासूम की के बोल हो रहा है कि जो उस वक्त तक कुछ बोलता ही नहीं जब तक वही ना आ गया। इन जगह वो वही बोलता है जो अल्लाह की वही बोलती है। वो ये कह रहा है कि अव्वल ना मोहम्मद, औसत ना मोहम्मद, आखिर ना मोहम्मद, कुल्लो ना मोहम्मद। आप अच्छा को सुने तो फिर भी मैंने 5 मिनट तो पढ़ने ही है। आप राजे हो सुने तो मैंने पढ़ने ही है। मेरा पहला भी मोहम्मद है, मेरा दरमियान वाला भी मोहम्मद है, मेरा आखिरी भी मोहम्मद है, हम सारे के सारे मोहम्मद है। लेकिन यहाँ बात एक सोचने और समझने वाली है, ये नहीं कहा कि हम इतने हैं। अव्वल और आखिर कहा है, अब देखो कौन ऐसा है जो उन जैसा था, उन जैसा है और उन्हीं जैसा रहेगा। और बाबा अगर उन जैसे ना होते बंदे बात करते हैं कि हमारा
इमामत के हिसार में रिसालत बैठ गई। मौला पहले आप ध्यान दीजिए, मौला अमीर अल मोमिनीन ने कहा कि मैं
اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلى الله عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن أطعت تصير أبو رزقة والمتمتع فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وأنزل الفرج آل محمد دعائے مالک کائنات اس پاک سکر دا سکر دے تیرے ممنی تو نصیب تو چل کے آئے ہو میرا مولا تو نے قدم قدم تیرے کیا نصیب ہو سکر مالک اس پاک سکر دا سکر مائی خبر جس محنت کو میرا مولا اپنی بار کا اچھا بہت فرمائے مالک انہ دے گھر دے جتنے مرمین دنیا تو چلے گئے سب تے ذرا چار دنیا تو فرمائے اس پاک سکر دا سکر جڑی ہیں جو لیا اولاد واسطے سکھ دیا زندگی والے عزت آدھا بیٹے عطا فرمائے میرا مولا اس پاک سکر دا سکر اگر کوئی مومن موت دے قریب ہے اس وقت تک موت نہ ہونے جو تو تک حسین سے پتر علی اکبر دی جانیر کی زیارت نہ کر سکے مالک ذکر دے صدقہ ہے ذکر دے وارث ہے جب دست ظہور فرما جتنے مومن چاہتے جو بادشاہ کی آمد میں ایک صلوات محمد والے محمد ذات پر پہلا پیغام کی خاطر مسجد نبوی کا واقعہ سارے جانتے ہو
پھر بندے تاریخ کو پاتے ہیں صحابی رسول ابے میں آپ نماز پہ پڑھتے پڑھتے جو مسجد نبوی سے خود نماز داخل ہوئی تھوڑا جا رہا نبی کے سلطان مسجد میں داخل ہوئے تھے اپنے صحابی کے پاس مخاطب ہو کہتے ہیں بھائی ذرا میری گل سنی نماز اللہ جی پہ پڑھتا ہے حکم پاک رسول اس اپنی عقل کا استعمال کیا جو نماز ختم کر کے پاک رسول سے بھول جاؤ ساری جانتے ہیں جتنی جلدی اس نماز پڑھی نماز ختم کر کے پاک رسول نے کھول آیا اس آ کے سلام کیا سرکار چہرہ مبارک پھیر لے اس وقت سلام کیا سرکار بس چہرہ مبارک پھیر لے اور صحابی واسطے پکا میں جو سلام کرے وہ نبی سلطان جواب نہ دے آدھا بولو میں تمہیں سلام کرنا تھی میں سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے سرکار فرمایا اس ویلے کیوں نہیں آیا جس ویلے میں تین بلایا بیٹھا جب ہے سیوں کہ ہے جانب
पानी जिंदगी हो मेरे सामने सारे अदादार मत भी बैठो नमाज पढ़िया करो नमाज है ही अली अली कबूल ही अली अली नमाज के बाद मोमन तस्बीह पढ़ते हैं कभी तनहाई पे के तस्बीह पढ़ो जब तस्बीह सैयदा कभी तनहाई पे के पढ़ो दाणे ना दाणा बजी कवाज बवनी पैदा होंदी है टीम होंदी तार भाई स्टिंग को शायद ने 417 कलम मत कीता है वो आदे अकबर जो चले अर्श से तो किबरिया ने खुद अकबर जो चले अर्श से तो किबरिया ने खुद आवाज़ें तस्बीहात को ही दम बना दिया और मांगी किसी नबी ने खैरात हुस्न तो अकबर ने एक नज़र से यूसुफ बना दिया I'm gonna get you.
جو صحیح فرماتے ہیں کہ ساڈا پہلا محمد ساڈا آخری محمد ہے سارے دے سارے قصیدہ ایک بہت خوبصورت انڈیا دے شاعر نے قصیدہ اس کو آکھیا جاندا ہے جے وچ پیغام ہوئے پیغام دی خاطر میں جناب سرکار دے سارے عزادار ماتمی بیٹھوں میں کچھ سطراں جناب کو سنانا چاہتا ہوں صحیح فرماتے ہیں ساڈا پہلا محمد ساڈا آخری محمد ہے سارے دے سارے محمد ایک بندہ ہوندا ہے بادشاہ دے کول آکھیا تے مالک تہاڈے نانا دا فرمان ہے کہ اسی سارے دے سارے محمد مالک پر تسی سارے محمد کیوں نہیں تھوڑے چ کوئی علی ہے کوئی حسن ہے کوئی حسین ہے دی وجہ کی جب نبی نے سلطان فرما دیتا جو اسی سارے محمد پت کوئی علی ہے کوئی حسن کوئی حسین ہے دی وجہ سرکار فرما قرآن پہ اس نے چھا لیا وہ قرآن لے کے آیا سرکار فرما میرے ہاتھ تے رکھ اس ہاتھ تے رکھیا بادشاہ فرمایا کہ یہ مالک قرآن سرکار فرمایا کرے قرآن ہے پھر مدثر فا حیا سین مزمل ہے سب بکھری ہمارا راز ایک ہمارا امر ایک ہمیں تفرقہ نہ ڈالو ورنہ ہلاک